अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। और आज जो है, आपको बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। अगर नहीं पता चल रहा तो मैं बता देती हूँ। आज जो है, मैं हूँ अपनी भाभी लोगों की तरफ। और आज मैं आपके साथ क्या व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। अभी जो है, कमर घर पे नहीं है, वो ऑफिस गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि व्लॉग कम डल रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा बच्चों के साथ। और आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्स की बात बाद में आएगी। पहले हम जो है आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले तो मैं मेरा फेवरेट स्विंग दिखा दूँ आपको। ओह माय गॉड, माँ जो है चलते हुए स्विंग पे बैठ गई। और ये देखें, ये देखें, ये देखें, माँ चलते हुए स्विंग पे बैठ गई। सो हेलो, और ये जो है माँ का फेवरेट है, माँ की मामा का भी फेवरेट है। ये एक अदद पोनी मैं इसलिए लेके घूम रही हूँ क्योंकि माँ ने उतार ली थी और ये मुँह में डाल रही थी, तो मैंने इसलिए छुपा ली है। खैर, आप लोग सब बताएँ कि कुर्बानी की तैयारी, यस कुर्बानी की तैयारी हो गई, क्योंकि इस ईद पे ईद की तो कम, कुर्बानी की ज़्यादा तैयारी हो रही होती है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों की कुर्बानी की तैयारी हो गई, अगर नहीं हुई तो फिर भी बता दें, अगर हो गई है तो फिर भी बता दें। अच्छा जी, अभी जो है मैं आज के व्लॉग का जो टाइटल है वो तो थंबनेल पे आपको शो हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आज जो है मैं आयान के करने लगी हूँ गंज, और गंज जो है कमर घर पे नहीं है, मैं अकेले करूँगी। इससे पहले भी मैं अकेले ही करती थी, पर एटलीस्ट मेरा ये होता था कि कमर थोड़ी बहुत हेल्प करवा लेते थे। मैं अकेले ही करती हूँ, लेकिन कमर साथ में थोड़ा बहुत इसको पकड़ लेते थे, या बात के टाइम पे इसको साथ दे देते थे, तो थोड़ी मुझे हेल्प हो जाती थी। आज जो है मैं बिल्कुल अकेले जो है इसका गंजू भी करूँगी। ये देखिए भाई, इन्होंने आज अभी तक चेंज भी नहीं करा है, इनका गंजू भी होगा। अभी आप देख लें, बिफ़ोर देन आफ्टर भी मैं आपको दिखाऊंगी, और नहलाऊंगी भी मैं अकेले, तो और किस टेक्निक से करूंगी वो भी आप देखिएगा। चलें, और बिल्कुल इजीली हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है या नहीं। तो जो है आयान साहब यहाँ आ चुके हैं, ये देखिए आयान, हेलो 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 हेलो, आयान साहब यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कैमरा सेट करूँगी, और आयान को मैंने डाल दिया है ये गाड़ी पे। ठीक है, ये गाड़ी, ठीक है, इसको इस पर उल्टा करके ऐसे ऐसे इसके साथ में झूला भी मिलता रहेगा, और साथ साथ में इसकी हेयर कटिंग भी होती रहेगी, और इसमें कोई इन्जॉयमेंट भी होती रहेगी, और मेरा काम भी हो जाएगा। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले ये रोने लग जाए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने ये बाल हल्के से घीले कर लिए, हल्का हल्का से शैम्पू लगा लूँगी। ठीक है, शैम्पू लगाने से ये होगा ना, बाल इजीली रिमूव हो जाएंगे। निकल भी जा, से निकल भी। ये देखिए, हल्का सा शैम्पू लगाया। ओके ओके ओके, ये साथ में जो है मेरे असिस्टेंट खड़े हुए हैं, ठीक है, ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं। ये देखें बच्चा कितने आराम सुकून से, माशाल्लाह से लेटा। डोंट, ये देखें बाल कितना इजीली उतर है, ये चेक करें आप। नो डोंट पुट, ये देखें भाई। इस तरह ये हो जाता है ना, बच्चा तंग नहीं करता, मतलब आप बच्चे के हाथ में कोई टॉय वगैरह दे दें, कुछ चीज़ दे दें, या ऐसी ना आप किसी टॉय पर इसको बिठा के छोड़ दें। नाइस, क्योंकि वेदर अच्छा तो हो रहा है, लेकिन हब्स बहुत हो रही है, तो इसलिए बेहतर है कि यार जब बड़े हुए ना, ये खुद ही बाल रखते रहेंगे अपने। अभी तो हम इनकी, और ये ऐसे ना अभी से आपने चुनते रहते बालों को ना, ये चीज मेरे अजीज। नो नो,
डोंट टच बच्चे। ये सुकून से इसलिए है क्योंकि ये गाड़ी के ऊपर लेटा है तो इसे मजा आ रहा है। शैम्पू लगाने से बाल जो है इजीली उतर जाता है, एक तो सॉफ्ट हो जाता है, दूसरा रेजर में फंसता नहीं। ये कार की आवाज़ें आ रही हैं, हमारी कार को भी मसले मसाइल हैं बाबू। चलें जी प्रॉपर गंज करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बना इनका। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट टोटल जिसमें ओ माय गॉड मैं बता नो माही थैंक यू गुड एवन वाई हेलो। जहाँ देखें आप बच्चा तंग कर रहा है वहाँ आपने बच्चे को हल्का सा इस तरीके से मूव करना है ताकि बच्चा इंजॉय करता है, ठीक है। बच्चों को इरिटेट नहीं करना, उसको पैनिक नहीं कर देना कि बस गंज हो रहा है। वो बच्चे क्या होता है तंग हो जाता है, उससे बच्चा जो है बाद में चीखने रोने पिटने लग जाता है। तो आपने बच्चे को तंग नहीं करना, बड़े बच्चे को रिलैक्स रखना। गंज हो चुका है, ये देखें कितना फाड़ू लगता है यार, बंदा नहीं बच्चा गंज होने के बाद कितना फाड़ू लगता है। हेलो 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 गाइस, अब जो है मैं इनको चेंज करा लेती हूँ, फिर लास्ट में एक पिक आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई होप कुछ आई होप कि आज अच्छ से आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।